नमस्कार दोस्तों, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, गर्ल्स धोती सलवार। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग बहुत ही इजी होती है। तो चलते हैं, इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना 2 मीटर से भी कम कपड़ा है। तो देखिए, इसको मैं किनोर साइड इसको 2 फोल्ड कर लूंगी ऐसे। ये बंद साइड है और ये खुला साइड है, और दोनों साइड अपनी खुली हुई है। तो देखिए अपना ये मार्जिन हो गया पूरा। तो इस तरीके से मार्जिन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, चाहे आप इस कोने को उस साइड ले जाइए, चाहे ये वाला कोना ये साइड ले आइए। तो मैं एक कोना उठाऊंगी, मैं ये वाला कोना उठाऊंगी। देखिए ये वाला कोना उठा के और इसको यहाँ पे रख दूंगी। ये देखिए, मैंने इस वो कॉर्नर को उठा के यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद आप आसन की नाप किसी भी साइड लगा सकते हो, ये वाली साइड भी लगा सकते हो और ये वाली साइड भी लगा सकते हो। और बंद साइड में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। तो देखिए मैंने इस तरीके से घुमाया और मैं यहाँ पे आसन की नाप लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगी, ये वाला भाग है, चाहे आप उस तरफ रख दीजिए चाहे इस तरफ, मैं ये तरफ रख रही हूँ। तो ये वाला भाग है, उसमें मैं 1 इंच की कटिंग कर दूंगी। ये आपको निशान दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से 1 इंच की कटिंग करनी है यहाँ पे। ये देखिए अब मैं 1 इंच कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी मार्किंग होगी वो इस साइड करेंगे। उससे पहले अपन ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देते हैं। देखिए ट्रायंगल शेप बन के तैयार हो गई है। अब अपन इसको इस साइड अपन आसन की नाप लगाएंगे। आसन की नाप लगाने से पहले 2 इंच का इस तरीके से अंदर की साइड नाप लेके बॉक्स बनाएंगे। और देखिए आसन अपना 13 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ और 1 इंच मैं सिलाई मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो इस तरीके से 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच में मैंने आसन का निशान लगा लिया है और अपन इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे। और देखिए अपन की रेडी लेंथ है, यानी कि लंबाई जो है वो है 34 इंच। अब अपन इसमें से 4 इंच पट्टे के लिए निकाल देंगे, तो ये रहेगा अपने पास 30 इंच। तो 30 इंच में जब अपन 2 प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के हिसाब से, तो ये आ जाएगा अपना 32 इंच। तो देखिए मैं यहाँ पे 32 इंच पे निशान लगा देती हूँ। और मैं यहाँ पे इसको तिकोना ही रखना चाहूंगी। अगर आप इसको गोल रखना चाहो तो यहाँ से इसको कट कर सकते हो। तो मैं देखिए इसको तिकोना रखना चाहूंगी, तो मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है इसको। अब मैं पोंछे का निशान लगाऊंगी 6 इंच पर। देखिए फ्रेंड्स, इस कोने को उलटने में जाएगा, तो ये मैं इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो ये हो गया अपना पोंछे का निशान। अब देखिए पोंछे के निशान पे इसको कट कर देते हैं। तो ये पोंछे का निशान हो गया, यहाँ तक ये खुला रह जाएगा अपना। इसको इस तरीके से राउंड शेप में फोल्डिंग कर देंगे और ये अपना आसन हो गया। तो मैं यहाँ से आसन को कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए ये एक सिरा अपना बन साइड है, तो इसको अपन खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अपना आसन हो गया और ये अपने यहाँ पे अपन प्लेट के लिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इससे पहले अपन देख लेते हैं, पूरी मार्किंग हो गई है अपनी। अब ये 2 परत निकल के आ गए हैं। ये देखिए इसको खोलने के बाद इस तरीके से दिखेगा ये। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी प्लेट कैसे लगानी है अपन को। यहाँ पे इसको पहले हल्का सा सिल लेना है, इसको बंद करके, और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से प्लेट आएंगे। जब मैं इसकी सिलाई करूंगी तो
तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ये देखिए, और ये वाला कॉर्नर भी इस तरीके से आके, तो ये ट्रायंगल शेप इस तरीके से बनेगा अपना। ये देखिए, ये इस तरीके से अपनी प्लेटें आ जाएंगी। तो ये वाले निशान को अपन को वन साइड कर लेना है पहले, और देखिए ये टू फोल्ड में आ गया है अपना, ये दो भाग निकल के आए हैं। और अब अपन पट्टे की कटिंग करेंगे। अपना पट्टा था वो था 34 इंच, तो देखिए 17 इंच तो मैंने इस तरीके से ले लिया है, और 2 इंच इसमें मैं लूजिंग के लिए ले लूंगी। इस तरीके से मेरी 4 इंच लूजिंग हो जाएगी और मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। और इसकी चौड़ाई जो रखनी है, 4 इंच का पट्टा रेडी चाहिए अपन को, तो अपन इसको 6 इंच पे इसकी चौड़ाई रख देंगे। ये देखिए अपन ने इसका बेल्ट भी तैयार कर लिया है, और देखिए अपनी सलवार की कटिंग एकदम से कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी सिलाई करके बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपन ये धोती सलवार की सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो ये जो अपन ने 1 इंच का मार्जिन लिया था साइड में, उसको पहले अपन सिल देते हैं। ये इस तरीके से देखिए, ये दोनों साइड अपना आसन रह जाएगा, और आसन की साइड जो 1 इंच की कटिंग करी थी अपन ने, उसको सिल लेना है पहले। हल्का से ऐसे सिला और इसको सीधा कर देना है। अब अपन इसकी प्लेट इस तरीके से पाड़ेंगे, ये आसन से शुरू करेंगे। देखिए ऐसे, मैंने आपको पहले बताया था, और ये आसन तक की प्लेट पाड़नी है अपन को। ये देखिए दोनों आसन की प्लेट, इधर की साइड ये आसन रह जाएगा और इधर की साइड ये वाला। तो एक भाग की प्लेट कंप्लीट करेंगे पहले, फिर सेकंड वाले की करेंगे। तो अपन को प्लेट किस हिसाब से पाड़नी है वो भी बता देती हूँ। ये जो अपना पट्टा है, तो देखिए ये अपना पट्टा 38 इंच का है, तो ये आ रहा है अपना 1/2 19 इंच। तो अपन को एक भाग की प्लेट 19 इंच की पाड़नी है। ये एक भाग अपना 19 इंच का आ रहा है, तो 19 इंच की प्लेट बनानी है अपन को, और सेकंड भाग में भी अपन 19 इंच की बनाएंगे तो वो बराबर में आ जाएगी। तो अपन देखिए प्लेट बनाना शुरू करते हैं। प्लेटों का मुख देखिए कैसे रखना है आपको। प्लेटों का मुख आपको इस तरीके से रखना है कि ये जो अपना मेन पॉइंट है, उसमें से एक साइड तो प्लेट आपको इस तरीके से लगानी है, और दूसरी साइड से इस तरीके से। तो ऐसे मुख रखना है, एक का ऐसे और दूसरे का इस तरीके से। तो आमने सामने प्लेट रखनी है आपको। अब देखिए मैंने ये प्लेट का मुख मेरी साइड इस तरीके से रखा है। अब दूसरी जो प्लेट पाड़ेंगे दूसरी साइड की, उनका मुख इधर की साइड करेंगे, आमने सामने कर देंगे इनको।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका प्लेटों का मुंह एक का इधर की साइड किया है, दूसरी का इस तरीके से किया है, दोनों को आमने सामने करके। और देखिए अपन को 19 इंच का पट्टा था आप अपना, तो इस प्लेट भी देखिए मैं आपको नाप के बता देती हूँ, ये 19 इंच पे आ जाएगी अपनी। आपको उस हिसाब से ही प्लेटें पाड़नी है जितना आपका पट्टा हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अपना 19 इंच पे आ गया है। इसी तरीके से अपन दूसरे भाग की भी प्लेट पाड़ लेंगे। फ्रेंड्स मैंने ये दूसरे वाले भाग की भी प्लेटें कंप्लीट कर ली है, और देखिए उसके बाद मैं दोनों को ऊपर नीचे रखूंगी इस तरीके से, सीधे भाग को सीधे भाग की तरफ मिला लेना है, ये देखिए, और ऊपर नीचे रख के और मैं आसन जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से मैं आसन को जॉइंट करूंगी, दोनों साइड में आसन जॉइंट कर दूंगी। अब मैंने देखिए इस तरीके से दोनों साइड को आसन के जॉइंट कर दिया है ऊपर नीचे रखे। अब अपन इसको आसन को बीच में ले लेंगे ऐसे, ये देखिए अपना आसन बीच में आ गया है इस तरीके से। अब अपन यहाँ पे जो अपन ने बेल्ट रखा था उसको जॉइंट कर देंगे। उससे पहले बेल्ट को अपन पैक करेंगे, ये देखिए ये एक साइड से खुला है तो इसको अपन पैक करेंगे पहले, और फिर उसके बाद ये जो अपना है नेफा उसको बनाएंगे। अब देखिए ये अपन नेफा बना लेंगे, जो अपन को इलास्टिक डालना हो तो इलास्टिक डाल लीजिएगा, और आपको अगर इसमें नाड़ा डालना है तो आप नाड़ा डाल सकते हो। तो अपन ने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था ऊपर की साइड, तो अपन इसको ऐसे कैसे फोल्ड कर देंगे। ये ऊपर किनोर साइड है तो मैं इसको अंदर नहीं दबाऊंगी, क्योंकि ये इसमें से धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और देखिए इस तरीके से मैंने ये देफ रख दिया है। इसमें ओके अपन इलास्टिक या फिर जो नाड़ा डालेंगे वो डाल लेंगे। अब देखिए मैं इसका बीच सेंटर ले लेती हूँ। और इस तरीके से गुटके लगा लूंगी चारों तरफ। चार निशान बना लिए मैंने, एक तो बीच का और दो साइड के। ये देखिए दो तो ये निशान हो गए और दो अपन के साइड के हो गए। तो मैं इनको लगाऊंगी तो ये आगे पीछे नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स अपन का बीच का निशान जो है उसमें अपन आसन वाला निशान को रख देंगे इस तरीके से। जो आसन का बीच पॉइंट है उसको इसके बीच पॉइंट से रख देंगे, और इसको पूरे को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे अपन को पूरे आसन पट्टे को जॉइंट कर देना है ऐसे। तो ये राउंड में बिल्कुल, ये भी इसको पैक कर दिया है, ये भी पैक है, तो अपन राउंड में इसको जॉइंट कर देंगे।
आपको उल्टे सीधे का ध्यान रखना है कि अपन को कैसे जॉइंट करना है। सीधे भाग को मैंने सीधे भाग से मिलाया और इसको चारों राउंड से जॉइंट कर दिया है। अब देखिए अपना मेन पॉइंट से मिल गया है और पीछे वाला भी देखिए अपन ने जो निशान लगाया था उस पर मिला दिया है। और साइड वाले भी देखिए, ये जो अपन ने प्लेट का निशान बनाया था वो भी अपने ये कट से मिल गया है। इस तरीके से मैंने चारों निशानों को मिला के और इसको जॉइंट कर दिया है। अब पट्टा उल्टा सीधा हो जाए तो आपको पहले यहाँ से जॉइंट कर लेना है, फिर बाद में नेफे को उलटना है। पर देखिए मेरी तरह आप सिलाई करोगे तो बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं होगा। सीधे भाग को सीधे भाग की तरफ मिलाया और रख के जॉइंट कर देना है। तो अब अपन चलते हैं नीचे बॉटम की तरफ। तो देखिए बॉटम रखा था अपन ने 6 इंच का। ये देखिए मैंने कट का निशान भी लगाया हुआ है 6 इंच पे। तो अपन को इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है चारों तरफ 6 इंच तक। तो मैं आपको फोल्ड करके बता देती हूँ कि किस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से एक बार और इसको देखिए ऐसे डबल करके और ऐसे पतला पतला सा फोल्ड कर देना है भारी। अब मैं इसको तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरे बॉटम को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब अपन इस नीचे वाली सिलाई देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपन नीचे वाली सिलाई देंगे, फिर इसके बाद अपना ये धोती सलवार कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे डबल करके और देखिए ये 6 इंच तक इसको छोड़ देना है ताकि इसमें आरामी से पैर आ जाए। ये देखिए इसको छोड़ते हुए यहाँ से अपन को सिलाई चलाना है। अब देखिए मैं नीचे वाली भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आसन को मिला दिया है नीचे से और ये कंप्लीट करने के बाद अपन इसको सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन की ये धोती सलवार बनके एकदम से कंप्लीट हो गई है। देखिए अपन साइड की सिलाई भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आई है अपनी। देखिए ये इस तरीके से आएगी साइड में ऐसे सिलाई। धोती सलवार बनाना सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये धोती सलवार बनाना आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।